तो जब भी हम इंजन रिबिल्ड करते हैं या इंजन फिट करते हैं तो हमेशा एक बात का हमें रहता है कि पिस्टन के रिंग्स किस तरह से फिट किए जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये चार निशान दिख रहे होंगे और आपको ये जो इन वाला हिस्सा दिख रहा है ये इनलेट वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जो है एग्जॉस्ट वाला है। तो हम जब भी इसके रिंग्स फिट करते हैं तो हमको क्या करना होता है, ये रिंग्स चारों कोने पर 90-90 डिग्री के एंगल पर फिट करने होते हैं। ऊपर के जो दो होते हैं टॉप वन टॉप टू, एक यहाँ लगाना होता है एक दूसरा यहाँ लगाना होता है। बाकी जो नीचे ऑयल रिंग सपोर्ट रिंग होते हैं, ऑयल रिंग को आप इस जगह पर या इस जगह पर रख सकते हैं और जो उसके सपोर्ट रिंग्स होते हैं वो इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे रख के 90-90 डिग्री एंगल पे रख के सेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक बार करके भी दिखाता हूँ किस तरह से होना होता है। तो अभी आपको दिख रहा होगा ये अपना टॉप वन रिंग है, ये टॉप टू रिंग है, ये दोनों आपको सपोर्टिंग दिख रहे हैं और ये अपना स्पेंडर रिंग जिसको हम ऑयल रिंग भी बोलते हैं। तो अभी इसको फिट करके दिखाते हैं किस तरह से काम होना है। सबसे पहले एक सवाल आता है जब भी हम रिंग फिट करते हैं, इसको डब्ल्यू बना के फिट करें एम, तो हम डब्ल्यू एम कुछ भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम इस हिस्से से इसको फिट करते हैं, उसके बाद हम इसका सपोर्टिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। एक सपोर्टिंग का जो सिरा है हम इस तरफ लगाएंगे, पूरा एग्जैक्ट इसके सामने इस तरफ लगाएंगे। अभी हम इसका टॉप टू रिंग लगाएंगे, टॉप वन रिंग ठीक इसके सामने इस तरफ लगाएंगे। तो अभी आपको दिख रहा होगा चारों इस तरफ लग चुके हैं, तो दिमाग में डाउट नहीं डालना, इस तरह से हम इसके रिंग को फिट कर सकते हैं।